भर भी आएगा और लड़ने की हिम्मत बहुत होगी। दुश्मन पड़ता है, दुश्मन लड़ता है, दुश्मन वार करता है, वो सियासी दुश्मन हो या कोई दूसरा दुश्मन हो, सियासत में जिसको मौका मिलता है वो सियासी अंदाज से टकरता है। हमने इसी मुल्क में रह के जेलें भी काटी, इस रिपोर्ट के लिए जाकर कार्ड देख लें, सवा साल में जेल में हूं, सांप भी पड़े, बिच्छू भी फेंके गए, पूरा सवा साल मुझे एक कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया गया था। मैं चाहता था मैं डैमेजेस क्लेम कर सकता था, तो मैंने कहा अगर मैं डैमेजेस क्लेम भी करूंगा 15-20-40-50 करोड़ तक से करूंगा, अपनी हुकूमत से करूंगा, तो आई डिसाइडेड नॉट टू सू देम। तो लिहाजा मेरा ख्याल ये एक तरीकाकार है। तो फाइनली मैं यही अर्ज करूंगा कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, इदारों की हमें ख्याल करना चाहिए, और मैं आज अपील करूंगा पूरी कौम से कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त हमारी सुपीरियर अथॉरिटी है, जो फैसला आता है उसको जरूर माने। किसी को तो मानना होगा, किसी को तो बड़ा मानना होगा। आज अल्लाह ताला को तो अपना अल्लाह मानते हैं हम ना, और हम जो उसके सामने सर झुकाते हैं। कानून में आपका सबसे बड़ी अथॉरिटी जो है सुप्रीम कोर्ट है, और उन्होंने बहुत टाइम दिया, उन्होंने बहुत कुछ पूछा है, उन्होंने बहुत कुछ उसको तफसील ली है। लिहाजा मेरी सारी पार्टियों से रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जरूरी होगा, क्योंकि हो सकता है कि हो, खुदा ना करे कोई ऐसी चीज़ हो, मेरा मुल्क सलामत रहे, ईस्टर्न हदें जो हैं हमारी नहीं सेफ, वेस्टर्न नहीं है, लेकिन मैं आने वाले वक्त में एक डिस्क्वालिफिकेशन ही देख रहा हूँ, बहुत सारी देख रहा हूँ।